आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर BHU में MSc केमिस्ट्री के लिए और MSc फिजिक्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, हालांकि दोनों का पेपर सेपरेट होता है बट एक ही वीडियोज़ में हम दोनों को कंबाइन करके बताएंगे आपको। फिजिक्स का देना चाहते हैं, केमिस्ट्री चॉइस आपके होंगे, लेकिन सीट्स की बात करें इसमें तो टोटल 96 सीट्स हैं और ये जो डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है, BHU का। इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों का पेपर अलग अलग होता है। और अब आते हैं हम इसके एक बात और कर दें एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, क्योंकि अभी एक सस्पेंस बना हुआ है, मतलब CUSET में BHU जाएगा या नहीं जाएगा, स्टिल अभी कन्फ्यूजन में है, ये एकदम सच्चाई बताना चाह रहे हैं। बाकी ये है कि आप जैसे तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करिए, जो पेपर का डिमांड है उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि अभी वैसा है, हो सकता है आने वाले टाइम में कि ऐसा लगे, अचानक से पता चले कि BHU जो है वो CUSET में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और BHU खुद से, क्योंकि जिस तरीके से CUSET लेट कर रही उस वजह से मैं बताना चाह रहा हूँ। बाकी ये कि कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि आने वाले सेकंड वीक या फिर इस अगले वीक जो आने वाला है उसमें हो सकता है CUSET का फॉर्म आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये याद रखिए अगर मार्च के एंड तक फॉर्म आ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है आपका जितने भी दुविधा है, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, मतलब जितने भी क्वेरीज है वो सारे, क्योंकि जब फॉर्म ही आ जाएगा तो कोई इशू नहीं रहेगा, फिर ये कि कोई पूछने के बात ही नहीं बन पाएगा इसमें। खैर अब आते हैं आपके इस पे, देखिए यहाँ पे मैं आपको CUSET रिलेट करके बताएंगे CUSET से भी, ताकि आपको CUSET के बारे में भी पता चल जाए और BHU के बारे में पता चल जाए इनकेस। देखिए इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे कि यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, और ऐसे नहीं सिर्फ यहाँ पे, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आप अच्छे से अवेयर है, सभी में रिजर्वेशन है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका 15% जो है वो शेड्यूल कास्ट का है और 7.5% जो है वो ST स्टूडेंट्स के लिए। बाकी ये है कि जो OBC के स्टूडेंट्स हैं उनका 27% का यहाँ पे रिजर्वेशन है, एंड इसके अलावा EWS का 10% रिजर्वेशन है, जिनका अंदर डिसेबिलिटीज है उनके अंदर भी, उनके लिए भी 5% का रिजर्वेशन, बाकी और भी रिजर्वेशन है, बट उतना अफेक्ट नहीं करता जितना आपको ये रिजर्वेशन जो जैसे SC ST OBC और EWS को गया। ये मैंने आपको रिजर्वेशन का बता दिया ताकि जो है आप एक बार सोच ले, बाकी सोचने की बात नहीं। देखिए अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपको रिस्क थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा, आप सोचेंगे कि भाई हमारा होगा नहीं, इतने सारे इतने कम सीट्स है तो कैसे होगा, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये कि अपनी तैयारी जारी रखें। जैसे मैंने कहा था कि इस कोर्स में मैंने बात किया किसके बारे में, दो पेपर के बारे में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में, तो अभी हम इन दोनों का ही देखिए यहाँ पे साफ मेंशन है, मतलब यहाँ पे जो हम एलिजिबिलिटी दिखाना चाह रहे हैं फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी, और एलिजिबिलिटी ये है कि आपने जहाँ कहीं से भी BSc ऑनर्स किया हो, क्या किया होना चाहिए, BSc ऑनर्स, और उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन यह है कि जो जैसे मान ली फिजिक्स में लेना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स पेपर होना चाहिए, मान ली केमिस्ट्री लेना चाहते हैं तो एक केमिस्ट्री आपका एक ऑनर्स में पेपर में एक होना चाहिए, ठीक, यहाँ पे मेंशन भी है। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, ये आपका एलिजिबिलिटी बता दिया कि एटलीस्ट जो है 50% होना चाहिए, और अगर 50% देन आप इसमें एलिजिबल हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा आपको ये आपका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अपडेट कर दें, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये है कि मास्टर्स में काफ़ी सारे कोर्स हैं तो ये थोड़ा सा होता है, बाकी ये कि अगर आप PDF एक्सेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये इस चैनल के लिए सेपरेटली एक टेलीग्राम लिंक अपडेट बना दिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और आने वाले जो भी अपडेट आते हैं अगर उसको लेकर भी आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जाकर इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये कि एग्जाम जो होगा वो CVT मेथड यानी कंप्यूटर बेस्ड मेथड, और इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट का कोड के हिसाब से आपका एग्जाम्स होगा, वो आपको ध्यान करना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा कि हाँ भाई कब क्या हो रहा है। बाकी ये कि अब हम आगे आपके पेपर पे, देखिए इन्होंने पेपर बड़ा शॉर्ट में बोल दिया कि भाई ऐसा ये पढ़ लो बस, अब ये पढ़ लो का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 120 मिनट्स का आपका पेपर होगा यानी 2 घंटे का पेपर होगा, और दोनों का अलग अलग पेपर है, जैसे ये 481 के नाम से और ये 482 के नाम से, लेकिन कहा क्या रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले इस पे देखते हैं। कह रहा देर सारी वन पेपर 120 मिनट्स का और ड्यूरिंग कैरिंग 488 मार्क्स कैरिंग करेंगे, कंटेनिंग 120 मल्टीपल मतलब वही आपके 120 MCQ होंगे, और वो उसका वेटेज होगा, लेकिन इसका जो लेवल होगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का, तो अगर आप लाइक इसका पेपर देना चाहते हैं तो इसमें जरूरी है कि जिस पेपर में देना चाहते हो उस पेपर से नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए। बाकी है कि क्वेश्चन पेपर एसेस करने की कोशिश करें लास्ट ईयर का एटलीस्ट, तो वहाँ से आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि पेपर पूछ क्या रहा है। पेपर ही एसेस करना बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में, जो पैटर्न MSc फिजिक्स का वही पैटर्न MSc केमिस्ट्री का, लेकिन फ़र्क दोनों में ये होगा कि फिजिक्स से इसमें सवाल ज़्यादा होंगे और इसमें केमिस्ट्री से सवाल ज़्यादा होंगे, बस यही फ़र्क होगा पेपर को, क्योंकि दोनों का पेपर सेपरेट होगा, साथ में पेपर नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा इसके एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं वो नॉर्मली हर स्टेट्स में होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं ऑलमोस्ट, तो आप कर सकते हैं। बाकी ये कि आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, और अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। और अब हम आपको CUSET का PG का जो सिलेबस है वो हम आपको दिखा दें MSc फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कि क्या उसका सिलेबस है। सो यहाँ पे मैं आपको जो CUSET का सिलेबस है उसके बारे में, बाकी ये कि अभी 22 का डिटेल तो थोड़ा सा ना बाकी है, लेकिन ये कि अपडेटेड रहेगा, एक वीडियोस फाइनल ऐसा होगा जहाँ पे आपको हम कंप्लीट बता देंगे कि हाँ भाई किस में क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ बता दी जाएगी, लेकिन ये है कि पहले फॉर्म आने दीजिए।
चलिए आते हैं सिलेबस पे। देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इन्होंने साफ कह रखा है ये जो सिलेबस है किसका किसका है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का भी है, केमिस्ट्री साइंस का भी है, केमिस्ट्री का भी है, एंड इसके अलावा यहाँ पे मतलब जो भी केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट उन सारे का सिलेबस यहाँ पे है। अभी इंपॉर्टेंट ये है जैसे लैब टेक्नीशियन का भी इसमें है, पर इनमें इंपॉर्टेंट ये कि जो स्टूडेंट्स एमएससी केमिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं उनका सिलेबस कुछ इस तरीके से, मतलब 25 मार्क्स होंगे वो आपका जीएस वाला सेक्शन इंग्लिश जनरल अवेयरनेस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश से आपके एनालिटिकल स्किल से आपसे पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स होंगे। बाकी जो 75 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इनऑर्गेनिक होंगे। तो अब आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे कि देखिए आपका वहाँ जो था 120 पूछा जा रहा है और यहाँ जो 100 पूछा जा रहा है, ये फ़र्क है, लेकिन फ़र्क नहीं बल्कि उससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आने तो दीजिए, आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। मगर ये कि सिलेबस को लेकर अगर कहेंगे तो देखिए केमिस्ट्री में जो है, जो केमिस्ट्री के लिए मैंने कहा था कि केमिस्ट्री में होता है ये कि केमिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा होता है, कुछ एडिशनल चीज़ें फिजिक्स वगैरह थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि आपने ऑनर्स करा है तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से फिजिक्स भी लिए होंगे, केमिस्ट्री भी लिए होंगे और कुछ और भी पेपर लिए होंगे, तो ये इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया सिलेबस है ये सारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिस्ट्री, एंड ये स्टिल अभी उसी का ही पार्ट चल रहा है इनऑर्गेनिक का ही। यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, ये रहा ये। अगर आप पीडीएफ एसेस करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप एसेस कर सकते हैं, ये रहा। और अब यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये, यहाँ से एल्डिहाइड कार्बन एक्सिजन ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज के लिए नहीं, आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।